श्री दुर्गा माता के इस धार्मिक यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेगा। जो लोग इस दुस्साहस का परिणाम कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन कठोरतम कार्रवाई करेगा। मौके पर डीएम साहब, कप्तान साहब आ गए हैं, मधीपुर में हैं। हम लोग जो अच्छा से अच्छा हो सकता है वो निर्णय लेंगे, आपके हित में लेंगे। माँ भगवती की मूर्ति सबका विसर्जित हो, हम लोग पहले इस कार्यक्रम को संपन्न करें, फिर मैं उनको चुन चुन के मारूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहादुल में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत ही संजीदा मौजू जिस पर तबसरा करना बेहद ज़रूरी है। भले ही ये वारदात यूपी की है, लेकिन एक समाज को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, इसका महज अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है। मुस्लिम समाज में किसी तरह की रहनुमाई नहीं, फिर वो दीनी हो या सियासी। घर जलने के बाद, कई अफराज जख्मी होने के बाद, या फिर कईयों की गिरफ्तारी के बाद, कुछ तंजीमें, इदारे रस्मन तो सामने ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है। खैर, इस बात को वैसे 2 हफ्ते होने को आए हैं, लेकिन आज इस बात पर तस्करा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आने वाले हालात में आखिर क्या मंसूबा बंदी या फिर किस तरह से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। वाजा रहे, सुल्तानपुर, इब्राहिमपुर, जहां मुसलमान बिल्कुल अकलियती तादाद में रिहाइश पजीर है, दशहरे के दुर्गा जुलूस के दौरान मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर बहस हुई। इत्तला के मुताबिक मस्जिद के इमाम ने सिर्फ गुजारिश की कि आप डीजे मस्जिद के सामने क्यों न बजाए, बल्कि थोड़ा दूर जाकर बजाए। लिहाजा एक भीड़ ने इस पर एतराज करते हुए मस्जिद और अकलियती समाज के घरों पर जमकर हमला किया और कईयों के घरों से जेवरात और खवातीनों के साथ ज्यादती की वारदातें भी सामने आ रही। कई घरों को जलाया गया, कुछ तस्वीरें हासिल हुई है जिससे महज अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह यहाँ एक तरफा नंगा नाच फिरका परस्तों ने किया हुआ। एक और बात का जिक्र यहाँ करना मुनासिब समझूंगा कि SHO, जिसे हम यहाँ DC कहते हैं, उसने जो किरदार निभाया शायद कोई बजरंग दल वाला भी नहीं निभा सकता। SHO अमरिंदर सिंह ने फिरका परस्त की भीड़ से मुखातिब होकर कहा कि जिन्होंने भी दुर्गा के इस जुलूस में खलन पैदा करने की कोशिश की है, उन्हें नहीं बख्शूंगा और इनको मिट्टी में दफन कर दूंगा, इनके घरों पर बुलडोजर चलाऊंगा। लिहाजा इस सरकारी अफसर की तकरीर के बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए और तालियां पीटी गई। आगे अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जो भी आपके हक में फैसला ले सकते हैं जरूर लिया जाएगा। DM भी आए हुए हैं, अब वो वलीपुर पहुंचे हुए हैं। पहले हम इस दुर्गा के जुलूस को मुकम्मल करेंगे, फिर उन्हें चुन चुन कर मारेंगे। इस बात का वीडियो जब वायरल हुआ और मुस्लिम पक्ष की तरफ से इंसाफ की मांग की गई तो SP विपुल कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि किसी धर्म समाज का यहाँ नाम नहीं लिया गया, जिन्होंने भी तशद्दुद फैलाने का काम किया है उन पर कार्रवाई की बात कही गई है। मजीद आगे बात और भी ताजुब करने वाली है। मुकदमे एक तरफा कबूल किए गए और कार्रवाई एक ही समाज के अफरदों के साथ की गई। इत्तला के मुताबिक मुसलमानों की फरियाद दर्ज ही नहीं की गई। खैर, इस वारदात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महज से यूपी की वारदात कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुल्क भर में अब एक ही तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला इतना बड़ा हुआ कि नेशनल मीडिया को आखिरकार इस वारदात को कवर किया गया, लेकिन मामले को बैलेंस करने की कोशिश की गई, जबकि एक तरफा कार्रवाई का जिक्र BBC में किया गया। सोशल मीडिया के जरिए कुछ हद तक वारदात सामने तो आई हुई है, पर हकीकत आज भी दबी हुई है। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला 11 दिन के बाद हमें बताना पड़ रहा है, इसका मतलब किस हद तक इसे दबाने की कोशिश की गई। कुछ मुस्लिम तंजीम इदारे वहां जाकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, जमीयत उलमा भी वहां पहुंची हुई है, पर जिस कदर मुल्की सतह पर दीनी मजहबी इदारे तंजीम इनका अब धीरे धीरे तसल्लुत घटता जा रहा है, क्या ऐसा सवाल भी है या फिर इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं जो खुलकर बोलना नहीं चाहते। सवाल फिर घुमा फिरा कर उसी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है कि इन तमाम मामलात के बावजूद जमात तंजीम इदारे खामोश क्यों हैं? आखिर मुल्की सतह पर कोई ऐसा महाज क्यों नहीं खोला जा रहा जहां मुल्क के संविधान में रहते हुए कानूनी जंग लड़ी जाए? क्या वजह है कि सरकारी अफसरान एक तरफा कार्रवाई को अंजाम दे रहे? आखिर इन अफसरान पर ही कार्रवाई का मुतालबा
क्यों नहीं किया जाता? अगर इस तरह एक तरफा कार्रवाई दिगर शहरों में भी होने लगे तो क्या मंसूबा होना चाहिए वगैरह, तब मुमकिन हो सकता है कि जब तमाम मसलक जमात के जिम्मेदारान और अपने आप को इल्मी माहिरीन समझने वाले उलमाए कराम एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं होते। इस कौम का ये अफसोसनाक अलमिया है कि आज भी मसलक के इख्तलाफात से हम उभर नहीं पाए हैं। नुक्कड़ चौराहे और मजलिसों में हमारे सवाल वो रहते हैं जिसका हक सिर्फ अल्लाह ताला को है। कौन सा मसलक जन्नती है? कौन सी जमात हक पर है? कहां हाथ बांधने से नमाज होती है? पांव को कितना दूर रखना चाहिए नहीं तो नमाज नहीं होती? क्या बिदअत है, क्या हलाल है और क्या हराम है? कौन काफिर है, कौन मुनाफिक है? मतलब जिस बात का फैसला अल्लाह को करना है इसी पर हमारे बहस मुबासे होते रहते हैं। अल्लाह ने हमारे इख्तियार में जो काम दिया है अगर हम सही से उसी को अंजाम दें, मामला बहुत आसान है। हमारा काम है पड़ोस में कौन परेशान है, कौन बीमार है, किस गरीब की हम कैसे मदद कर सकते हैं, एक दूसरे से कैसे हमें हुस्न सलूक करना है, पड़ोस में किसी घर में जाकर किसी के दवाइयां लाकर दे सकते हैं, किसी को अस्पताल पहुंचा सकते हैं, किसी की बेटी की शादी में मदद कर सकते हैं। सैकड़ों काम हैं, लेकिन हम हैं कि किसकी नमाज सही, किसका मसलक सही, कौन आशिक रसूल, कौन नबियों का काम कर रहा है, कौन सी जमात जन्नती है, फला शख्स खबरी है और न जाने क्या क्या। माशरा बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। बार बार कहता हूं कि जब तक हम एक दूसरे को अपना कलमा वो भाई नहीं समझेंगे, इसी तरह घर जलते रहेंगे, इसी तरह अस्मत रेजियां होती रहेगी, इसी तरह इबादत गाहों पर हमले होते रहेंगे, क्योंकि फिरका परस्त समझ चुका है कि ये बिखरी हुई कौम से तो किसी भी वक्त निपटा जा सकता है। लिहाजा आज सुल्तानपुर के इस वाकये का जिक्र भी इस नीयत से कर रहा हूं कि आज भी हम मुत्तहिद हो तो वक्त की धारा को मोड़ सकते। यकीनन कुछ फर्जी मौलाना आज भी मसलक का जहर घोल कर अपना मुफाद हासिल करना चाहते हैं। जरूरत है उम्मत के नौजवान नस्ल को समझने की। अल्लाह और उसके रसूल की खातिर आपस में भाई भाई बन जाओ। कौन जन्नती कौन जहन्नम इसका फैसला अल्लाह पर छोड़ दो तो बेहतर है। हश्र के मैदान में सभी पर्दे अपने आप उठ जाएंगे, इसकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम आपस में कलमा को भाई हो, खून के रिश्ते से भी बढ़कर कलमे का रिश्ता है। बस तुम मरने की कगार पर पहुंच चुके हो, तुम्हें किसी भी वक्त भी तुम पर आजमाइश बड़े पैमाने पर आ सकती है। अगर आज भी नहीं जागोगे तो बड़ी कीमत ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी आने वाली नस्ल को भी चुकानी पड़ेगी। यकीनन काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन मसलकों जमातों और सियासी पार्टियों ने हमें तार तार करके रख दिया है, लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए और कोशिशें कभी जाया नहीं जाती, इतना सच है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरी बहू बेटियों को वो हाथ डाल दिए, मेरा तो यही दिल कर रहा है कि मैं चक्कू मार लूं और कुछ न करूं। एक 6 महीने का बच्चा उसकी पकड़ के टांग चीनने जा रहे थे, एक 9 महीने का उसका भी टांग पकड़ के चीनने जा रहे हैं। हम सब कोई कहीं कुछ जाओ, जितना ले जाना वो ले जाओ, मगर मेरे बच्चे लोग को मत छू लो। तो बहुत मारा, फिर सब लोग को हमको मारा, हमारे बहू को मारा, हमारे बेटी को मारा, हमारी ननद के पांव तोड़ दिया। मेरी इज्जत लूट गई है, मैं क्या करूं बोला, इस दुनिया में रह के क्या करूं मैं? अरे सबसे मैं अपनी इज्जत लुटाऊंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी, मैं चक्कू मार लूंगी। सब लोग मेरी इज्जत पर हमला कर दिए, मेरे कपड़ा फाड़ डाली, 3 बार मुझे पटके खटिया पर से उठा उठा के और सब मेरी बहन को मारा, मेरी बहुओं को मारा और मेरी बेटियों को मारा। हमको इंसाफ चाहिए भैया, हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, नहीं हम मर जाएंगे, खुद मर जाएंगे। हमको तो बहुत मारा, हमारे दिमाग की दवा चलती है, अब हम कहाँ दवा पाए, कहाँ क्या पाए, सब तो लूट ले गए, हम कैसे चलेंगे? निकलने नहीं दे रहे हैं, हम कहीं जा नहीं पा रहे, कहीं FIR नहीं कर पा रहे है। तो बब्बू फाइटर थे और उनके साथ पुलिस थी और पब्लिक को वर्दी पहना के लाए थे हिंदुओं लोग को, और हमारी इज्जत पे हमला किया और हमारे बहू बेटियों को मारे और हमको भी मारे और सब सारा जेवर भी लूट लिए और रुपया पैसा लूट लिए, सब तोड़ फाड़ मचा दिए, यही सब किए हैं। और बहन बेटी सबको मारा, एक भी को नहीं छोड़ा, और बच्चे का दूध भी बहा दिए, सारा सब कुछ कर दिया, तहस नहस कर दिया। हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए भैया। मेरी बहू बेटियों को वो हाथ डाल दिए, मेरा तो यही दिल कर रहा है कि मैं चक्कू मार लूं और कुछ न करूं। मेरी इज्जत लूट गई है, मैं क्या करूं बोला, इस दुनिया में रह के क्या करूं मैं? बताइए आप लोग, बताइए मैं क्या करूं इस
पटके खटिया पड़ते उठा उठा के हम सब मेरी बहन को मारा, मेरी बहुओं को मारा और मेरी बेटियों को मारा। हमको हम क्या करें यार, हमको इंसाफ चाहिए भैया, हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, नहीं हम मर जाएंगे, खुद मर जाएंगे। इन लोग के आप मार खाने से अच्छा हम खुद मर जाएंगे। हमको तो बहुत मारा, हमारे दिमाग की दवा चलती है, अब हम कहाँ दवा पाए, कहाँ क्या पाए, सब तो लूट ले गए, हम कैसे चलेंगे। अब बोलिए भैया, तो वो लोग किसी को ढूंढने आए थे क्या, घर के लड़के नौजवान वगैरह को? नहीं नहीं, हमारे घर में हमारे घर में कोई था नहीं भैया, खाली हमारे बांधवी वही सुल्तानपुर में ड्यूटी करते थे, वहाँ कहाँ यहाँ पहुँच नहीं पाए थे वो। तो वो लोग जब आए थे, आप बता रहे हैं बब्बू फाइटर जो यहाँ के जिला पंचायत, हाँ, और उनके साथ कुछ लोग थे और पुलिस, हाँ, वाले भी थे, हाँ, पुलिस तो वाले थे। कह क्या रहे थे वो लोग? वो लोग पहले नीचे तोड़ फोड़ बचाए, लूटे, फिर ऊपर आए। तो किसी को ढूंढ रहे थे क्या वो लोग? नहीं ढूंढने रहे थे, लूटने आए थे। अच्छा, लूटने आए थे, खाली दरवाजा खुलाया, मैंने दरवाजा नहीं खोली तो तोड़ डाले। अच्छा, हले तो नीचे लूटे मारे, हाँ। सब लूट उट के ऊपर आए तो यहाँ हम लोग थी, मेरी बहन बेटी सब थी, तो हमको हमको दो चट्टा पहले खींच के मारा, खींच के मारा, फिर मेरा कपड़ा चीर दिया, मेरा जरबन भी तोड़ दिया। हमको तोड़ के तो मेरी नंद बोली, मेरी भाभी को मत मारो, मेरी भाभी की दिमाग की हालत सही नहीं रहती। तो फिर वो कमरा में हले, वहाँ मेरी बहन और बेटी सब थी, वहाँ सबको मारा, एक वारी से मारा है। हाँ, हमको इंसाफ चाहिए बस। तो पुलिस वगैरह के पास नहीं गई आप? हम लोग जा नहीं दे रहे हैं, इधर से खेद रहे हैं, उधर से खेद रहे हैं, पुलिस वाले सब खदेड़ रहे हैं भैया। मतलब पुलिस वाले नहीं जाने देने बाहर? नहीं। क्या कह रहे हैं? घूर रहे हैं, घूर रहे हैं, हम लोग को घूर रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कहीं एफ आई आर नहीं कर पा रहे हैं। वही जब जाता है तो भैया नहीं, बिल्कुल लिखते हैं, मार के भगाते हैं, खेतते हैं। जाओ, आप भी उस वक्त यहाँ घर पे थी? जी जी, सब कोई मौजूद थी घर में। तो क्या क्या हुआ, बच्चों को भी मारे वो लोग? बच्चों को हमारे एक 6 महीने का बच्चा, उसकी पकड़ के टांग चीनने जा रहे थे, एक 9 महीने का उसका भी टांग पकड़ के चीनने जा रहे हैं। हम सब कोई कहीं कुछ जाओ, जितना ले जाना वो ले जाओ, मगर मेरे बच्चे लोग को मत छू लो। तो बहुत मारा, फिर सब लोग को, हमको मारा, हमारे बहू को मारा, हमारे बेटी को मारा, हमारी ननद के पांव तोड़ दिया, वो नीचे बैठी है, ऊपर नहीं आ पा रही है, सबको तान बयान कर दिया एकदम, सबसे पेट फाट के सब कहीं के चला गए, गाली बहुत दिया भैया मैंने। हम सब लोग चक्कू मार लेंगे, अपने आप को मार लेंगे, इसे जिंदगी जीने से बेकार है सब कुछ। जो हमारे नन नन बच्चे नहीं जी पा रहे हैं तो क्या करें, उनका सारा दूध भी बहा दिया, जो वो बच्चे थे उनका जो पीटा लागे, उनका दूध चुसने चलो का पूछ दिए, बच्चे खिलौना था उसका भी पूछ दिया। अच्छा, सारा पैसा लेके चला गया, कुछ भी नहीं बचा हमारे घर में, कि कुछ भी बचा हुआ था, 10 रुपया नहीं बचा है, मस्जिद का पैसा था धरा वो भी ले गए। कितना ले गए? मस्जिद का 10,000 रुपया, मस्जिद का रही 50,000, हमारे घर का रहा, सब ले गए, सब लेके गए जी, सब लेके गए। यहाँ पानी भरता था, बारिश हुई तो हमने कहे कि पैसा निकलवा के लाए कि काम करवा लूंगी कि पानी बह जाए, बस उसे दिन दंगा कर दिया, सारा पैसा और सारा जेवर सब लेके चला गया, कुछ हमारे घर में कुछ बचाया नहीं, क्या करें हम। अब हम सब लोग कहाँ जाए, कहाँ ना जाए, हमको इंसाफ दिलाना चाहिए। कदम की दूरी पे पुलिस चौकी बनी हुई है, वल्लीपुर इब्राहिमपुर में पुलिस चौकी मौजूद है, मुश्किल से 100 मीटर का फासला पुलिस चौकी का है। और विसर्जन से पहले ये व्यवस्था रही थी इंतजामिया की तरफ से कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी या उसके लोग आगे आगे चलते हैं। आखिर वो प्रशासन वहाँ कहाँ था, प्रशासन क्यों नहीं था विसर्जन कराने के लिए, वो गाड़ियाँ या उस बाज़ार से क्यों नहीं पार करा रहा था? तो जिन लोगों ने ये घटना अंजाम दिया जिस तरीके से, वो मुजरिम है, कहीं न कहीं से इसमें प्रशासन की भी कमी नज़र आती है। क्या मामला? हम सुबह उत्तर प्रदेश जमीतुल्ला के जनरल सेक्रेटरी हैं, उसका पूरा वक्त वहाँ से और यहाँ सुल्तानपुर ज़िले की जो हमारी शाख है वो सब साथ में है, इसलिए आए थे कि जो अभी इब्राहिमपुर में वाकया पेश आया है वो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर के तश्वीश थी, फिक्र थी। नमाज के वक्त में कहीं पर भी अगर कोई डीजे बजाएगा और खड़ा हो जाएगा, बदतमीजी करेगा तो तकलीफ़ होगी। वो भी हमारे भाई हैं, मैं उनके मुखालिफ नहीं हूँ, उनका दुश्मन नहीं हूँ,
मैं प्यार से उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर वो अपने मैसेज आपके जरिए पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई कोई ऐसा मौका हो तो थोड़ा संजीदगी का मुजाहरा कर लें। हम आपके साथ भाई हैं, आप हमारे भाई हो, हम एक दूसरे को कोऑपरेटिव से के जहन बना करके यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना चाहिए। आपको कोई तकलीफ है मुझे दूर करने को तैयार हूँ। ऐसे मामले में इन चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए। उसी सिलसिले में आया था कि अभी जो बातचीत हुई है डीएम साहब से कि भाई वन साइड जो है वो गिरफ्तारियाँ जो हो रही वो गलत है, जो मुजरिम है किसी को बख्शा ना जाए, दोषी बसे ना, निर्दोष फंसे ना। जी हमारी पूरी वीडियो वायरल में उन्होंने कहा बुलडोजर चला, उस पर क्या कहना चाहते हैं? उस सिलसिले में जो दरोगा के सिलसिले में भी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि हम जो मुनासिब कार्रवाई है करेंगे, इसका वादा किया उन्होंने करने का। हमें यही मांग रखी है हमने कि वन साइड जो है वो कार्रवाई कतई न की जाए जो हो रही है, इसलिए जो भी मुजरिम है दोनों तरफ से आप उनको देख रहे हैं, उनको देखिए, जो बेगुनाह है वो फंसना नहीं चाहिए। और इसी तरीके से जो है वो दरोगा जो जिसकी वीडियो भी चल रही है उसको फौरन हटा दिया जाए वहाँ से। करीब 10 दिन बीत गया है, 8 से 9 दिन बीते हैं, अभी तक एक ही पक्ष की कार्रवाई हुई है, दूसरे पक्ष के ऊपर कार्रवाई नहीं है, ऐसा क्यों? कहीं प्रशासनिक दबाव है क्या? अब ये प्रशासन जाने का प्रशासनिक दबाव है या नहीं, उसी चीज़ को हम हल्का करने के लिए आए थे। और ये बात मैंने बहुत सख्ती के साथ और बहुत प्यार से, मोहब्बत से, संजीदगी से, जैसे कही जा सकती थी एक अधिकारी से मैंने कही है कि भाई आप जो है वन साइड कार्रवाई ना करें, वरना ये दाग आप पर भी लगेगा और मुनासिब नहीं है कि ये दाग आप पर लगे। मैंने उनसे गुजारिश की, उनका नहीं, हम उसको देखेंगे, वादा किया उन्होंने।